कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 2 से 8 मार्च के बारे में और जानेंगे कि आने वाला सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आएगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो है इस सप्ताह आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आपको किस तरीके के देखने पड़ेंगे, इस बात की जानकारी देंगे और किन उपायों को करके आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस 2 मार्च से 8 मार्च तक के 7 दिनों का आपका पूरा हाल। दोस्तों, जीवन कभी भी एक जैसा नहीं चलता। कभी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है तो कभी आपकी जिंदगी एकदम सही और सुगम चलती रहती है। आने वाला क्षण किसके लिए क्या लेकर आने वाला है, इस बात की जानकारी हमारे ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर की गई भविष्यवाणियों से हमें पता चल जाती है। तो हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं साप्ताहिक भविष्यवाणी, जो कि आपकी वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में आपके करियर, जॉब, प्यार, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़े जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब आप जो है आपको इस वीडियो को देखने से मिल जाएगा। साप्ताहिक राशिफल से आप अपने जीवन के कई अलग अलग पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके आने वाले सप्ताह में कोई बाधा या परेशानी आती भी है तो हम आपको उसका निवारण भी इस वीडियो में बता देते हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और आपको बता देते हैं आपके आने वाले सप्ताह के बारे में। यह जो राशिफल बताएंगे आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। आगे बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे राशिफल बताने के, लेकिन उससे पहले हर हफ्ते की तरह आपको बताते हैं इस हफ्ते का जो है ज्योतिषीय तथ्य क्या कहता है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 2 मार्च से हो रही है, जबकि इस सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की ही चतुर्दशी तिथि यानी 8 मार्च को होगा। इस सप्ताह शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 6 मार्च को आमलकी एकादशी का जो है पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की द्वादशी त्रयोदशी तिथि यानी कि 7 मार्च को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। 2-3 त्यौहार या व्रत कह सकते हैं आपको इस पूरे हफ्ते में मिलेंगे। अभी गोचर जान लेते हैं कि कौन कौन से गोचर होंगे, क्योंकि हम गोचर के आधार पर भी भविष्यवाणी देते हैं इस वीडियो में। तो गोचर की बात करें तो कोई बड़ा इस हफ्ते गोचर नहीं होने वाला, हालांकि जिस तरीके से चंद्रमा गोचर करते हैं वो तो करेंगे ही। तो बता देते हैं कि चंद्रमा कौन कौन सी राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा जो है चंद्रदेव वो जाएंगे वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सिंह राशि में। ये 4 राशियों में वो इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं। तो ये जो है इन्हीं के गोचर के आधार पर हम आपको अभी आपकी भविष्यवाणी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में चंद्र राशि पर आपकी आधारित भविष्यवाणी आप जानेंगे। चंद्र राशि जिन लोगों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएंगे और साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगहों से आप अपनी चंद्र राशि पता लगा सकते हैं, आप अपनी लग्न राशि पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां वहां हासिल कर सकते हैं। आप अपने नक्षत्र कैलकुलेटर की मदद से जो है नक्षत्र भी जान सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको उन दोनों जगहों पर मिल जाएंगी बिना किसी पैसे का भुगतान किए हुए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि, जिसे कहते हैं वृषभ, अंग्रेजी में टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए कौन कौन सा जो है भाव एक्टिव रहेगा इस हफ्ते वो जानते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके लगन भाव में यानी पहले भाव में स्थित रहेंगे। उसके बाद आपके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाव आपका एक्टिव रहेगा। प्रथम भाव में चंद्र का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपके मन में शांति का भाव होगा और अपने पसंदीदा काम आप कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा के गोचर से आपके द्वितीय और तृतीय भाव एक्टिव होंगे। द्वितीय भाव में चंद्र के गोचर से धन से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। यदि लेने देने का कार्य करने वाले हैं तो इस दौरान घर के किसी समझदार व्यक्ति को अपने साथ अवश्य रखें। तृतीय भाव में चंद्र के गोचर के दौरान आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सोच समझकर काम करना होगा और कार्य क्षेत्र में होने वाली राजनीति से बचकर रहना होगा, नहीं तो आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान आपके काम पर भी नजर रखी जा सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ बहसबाजी करने से भी इस दौरान बचें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इस समय परिवार और कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव करने के लिए आपने जो फैसले लिए थे उनका अच्छा परिणाम आपको जरूर मिलेगा। माता जी के जो स्वास्थ्य है उसको लेकर यदि परेशान थे तो वह भी दूर हो जाएगी।
माता पिता को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आपको जो है समय समय पर उनका हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, एक सलाह थी आपके लिए। अब बात करते हैं प्रेमियों के बारे में, मैरिड लोगों के बारे में। तो सराशी के प्रेमी और प्रेमिकाओं को इस सप्ताह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर लवमेट के साथ आपकी बहस हो सकती है। यदि कोई तीसरा शख्स आप दोनों के रिश्ते में दरार बन रहा है तो इस बारे में स्पष्टता से अपने लवमेट से बात करें। वृषभ राशि के विवाहित लोगों के लिए सप्ताह बहुत उम्दा रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान आप बना सकते हैं। यदि आपके जीवन साथी बिजनेस करते हैं तो उनका हाथ बटाने के लिए भी इस सप्ताह आप आगे आ सकते हैं। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना जरूर करें। वृषभ वाले अगर ये उपाय करते हैं तो उनकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कैसा बीतेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला 7 दिन। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि बाकी सारी राशियों की जानकारी आपको मिलती रहे। हमने आपको बताया इस वीडियो में 2 से 8 मार्च तक का पूरा हाल आपका, ये 7 दिन क्या कुछ उतार चढ़ाव होने वाले हैं आपके जीवन में, किस तरीके से बीतेगा आपका हर पहलू पे आपका जीवन, बहुत सारी जानकारियां हमने आपको दी हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इन जानकारियों की मदद से आप अपने आने वाले 7 दिन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे और अपनी प्लानिंग उस तरीके से करेंगे। एक और बात, ये जो है सप्ताह की शुरुआत होती है, 7 दिन बहुत खास रखते हैं, मायने रखते हैं इंसान के जीवन में, तो कोशिश किया करें कि सप्ताह की शुरुआत में ही आने वाले 7 दिनों की प्लानिंग कर लें, क्या करना है, कब करना है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो हर चीज समय पर होगी और आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपको देगी। तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं आने वाले सप्ताह के लिए। कुछ 30 त्योहार है तो उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी यही उम्मीद करते हैं कि 7 दिन आपके बहुत अच्छे बीते, किसी तरीके का आपको कष्ट ना हो आपके जीवन में और उपाय करें, उपाय करके अपनी परेशानियों को दूर करें। इसी तरह एस्ट्रोसेज आपको हर हफ्ते जो है आपकी जो है समस्याओं से को दूर करने के लिए उपाय बताएगा और आपके आने वाले दिनों का हाल भी आपको बताते रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ अच्छा कार्य करना है, शुभ कार्य करना है किसी दिन पर, तो हमारे चैनल पर डेली हॉरोस्कोप की वीडियो भी अपलोड होती है। आप हर दिन शाम को 6 बजे उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आने वाले कल में कौन सा समय जो है वो शुभ है आपके लिए, कौन सा समय अशुभ है, कब क्या करना चाहिए और अपने पूरे दिन का हाल भी जान सकते हैं। तो डेली हॉरोस्कोप यानी दैनिक राशिफल का वीडियो भी आपके लिए हम अपलोड करते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये सब चीजें देखने के लिए जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। जो पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके दुख जो है वो आधे हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारी जानकारियां आपको दे दी इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।